आज के समय में एक से बढ़कर एक फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, लेकिन बैटरी का सही तरह से समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ घंटों तक लगातार यूज करने के बाद स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है। ऐसे में उसको बार बार चार्ज करने की जरूरत होती है और अपना काम छोड़कर उसको चार्जर पर लगाना पड़ता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब महज उंगली से ही स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकेगा। स्मार्टफोन को अब चार्ज करने के लिए महज आपकी उंगलियों के इशारों की जरूरत होगी। हाथों की उंगलियों से रगड़ कर ही चार्ज किया जा सकेगा। बफलो यूनिवर्सिटी और चाइनीज अकादमी ऑफ साइंस के शोधकर्ता मिलकर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे स्मार्टफोन की बैटरी को सिर्फ हाथों की उंगलियों से रगड़ कर ही चार्ज किया जा सकेगा। यह तकनीक ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, जिससे छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइस स्मार्टफोन स्मार्टवॉच को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। यह तकनीक स्टैटिक चार्ज के सिद्धांत पर काम करती है, जिसके अंतर्गत किसी चार्ज मेटीरियल के कांटेक्ट में आने के साथ दूसरा मेटीरियल भी चार्ज हो जाता है। उनका कहना है कि टच स्मार्टफोन पर यूजर्स ज्यादा समय स्वैप और क्लिक करने पर व्यतीत करते हैं। इससे स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल में सेंसर का यूज कर इस एनर्जी को बैटरी के चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्टफोन की चार्जिंग की अगर बात की जाए तो हाल ही में एप्पल ने आईफोन 8 और आईफोन X में वायरलेस चार्जिंग का फीचर दिया गया है, जिससे बिना किसी केबल की मदद से चार्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले मोटो और OnePlus ने अपने स्मार्टफोन में टर्बो चार्जिंग का फीचर दिया था। टर्बो चार्जिंग फीचर में घंटों चार्जिंग में फोन लगाने से बेहतर सिर्फ आधे घंटे में बैटरी फुल चार्ज की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।